करता हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी संसार पे। दोस्तों, ये हमारे एचटीएमएल सीरीज की वीडियो नंबर 29 है, जिसमें हम आज आपको बताएंगे एचटीएमएल के ऑडियो टैग क्या होते हैं, ऑडियो टैग का यूज हम अपने वेब पेज में कैसे करेंगे और कैसे नई नई वीडियोस हम ऑडियोज हम अप्लाई करेंगे अपने वेब पेज में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ऑडियो इंसर्ट करना अगर आपको अपने वेब पेज में हो तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर से हमने बताया था एचटीएमएल के मीडिया टैग्स कौन-कौन से होते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इमेज टैग के बारे में बताया था, इमेज टैग को कैसे अप्लाई किया जाता है और उनका कुछ और नए एट्रीब्यूट बताए थे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या ऊपर आ रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल ऑडियो इंटीग्रेशन। एचटीएमएल में ऑडियो का इंटीग्रेशन कैसे कराएंगे फ्रेंड्स? तो एचटीएमएल में ऑडियो इंटीग्रेशन कराने के लिए आपको हम पहले ही बताए थे ऑडियो नाम का टैग है। फ्रेंड्स, ऑडियो नाम के टैग को ओपन करेंगे और ऑडियो नाम के टैग को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये कंटेनर है। ओके फ्रेंड्स, कंटेनर टैग है। तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या है फ्रेंड्स? बिना एट्रीब्यूट्स के ऑडियो टैग किसी काम का नहीं है, इंसर्ट ही नहीं होगी ऑडियो आपकी। तो फ्रेंड्स, इसके एट्रीब्यूट्स हैं SRC जो कि इमेज के लिए भी था फ्रेंड्स, बट यहाँ पे एक्सटेंशन आप कौन सा सॉन्ग का एक्सटेंशन देंगे, जो भी आपका सॉन्ग हो उसका एक्सटेंशन। दूसरा, इसका बेसिक है कंट्रोल्स। बिना इन दोनों एट्रीब्यूट के आपका सॉन्ग इम्प्लीमेंट नहीं होगा आपके वेबसाइट पे। ओके फ्रेंड्स, दो बेसिक हैं, बाकी तीन नीचे लिखे हुए हैं 3 से 5 तक, ये एडवांस हैं। ओके फ्रेंड्स, ये एडवांस एट्रीब्यूट हैं, इनकी इनसे आप कुछ और इन्हेंस कर सकते हैं अपने ऑडियो उसमें ऑडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अपने नोटपैड पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने अपना नोटपैड ओपन करके इसमें एचटीएमएल का बेसिक कोड राइट कर लिया है, जिसके टाइटल में हमने एचटीएमएल ऑडियो टैग दिया है और ये हेडिंग में हमने ऑडियो टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट लिखा है, जिसको हमने अलाइन एट्रीब्यूट से सेंटर में ले आया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। ओके फ्रेंड्स, वैसे आप सिंपली कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऑडियो इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले आप ऑडियो जो आपको लेना हो वो छांट लीजिए। छांट के एक फोल्डर आप जहाँ पे भी आपकी ये फाइल हो, जहाँ पे भी ये फाइल हो, जैसे इमेज का कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे इमेज होनी, जहाँ पे फाइल हो वहीं इमेज होनी चाहिए, वैसे जहाँ पे फाइल हो वहीं पे ऑडियो भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑडियो हम इस फोल्डर के अंदर रखें। ओके फ्रेंड्स, छांट के फोल्डर के अंदर रखें। और फोल्डर के अंदर कैसे एक्सेस करना है ये हमको आपको बताया था इमेज के साथ, वैसे ऑडियो के साथ भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सिंपली हम इसका कोड राइट करते हैं। तो पहले हम इसका प्रीव्यू दिखा देते हैं, उसके बाद कोड राइट करते हैं फ्रेंड्स। तो प्रीव्यू दिखाने के लिए हमने सेव किया हुआ है ए नाम से यही फाइल, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रीव्यू ऐसा आ रहा है कुछ, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा प्रीव्यू आ रहा है कुछ इसका, जो हमने कोड राइट किया है। तो अब हम इसमें ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, ऑडियो टैग लिखेंगे फ्रेंड्स, ऑडियो टैग क्लोज कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्लोज कर दिया है। अब जो भी आपको इसके अंदर कुछ राइट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम इसके अंदर कुछ राइट करेंगे, इसके अंदर कुछ राइट नहीं करना है आपको, इसके एट्रीब्यूट को देना है फ्रेंड्स। इसका एट्रीब्यूट क्या है? SRC इक्वल आपकी फाइल कहाँ पे है फ्रेंड्स? देखिए हमारी जो सॉन्ग है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर के अंदर, फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर का नाम दे दीजिए। इस फोल्डर के नाम के अंदर देखिए किस नाम से है, S1। और इसका एक्सटेंशन देखने के लिए आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे फ्रेंड्स, दिख जाएगा ये MP3.MP3। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था ऑडियो टैग के अंदर जो फाइल थी उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, S1। तो पहले हम इसका फाइल फोल्डर का नाम देंगे, किस फोल्डर में हमारे फाइल है, audio/ क्या नाम से फाइल था फ्रेंड्स, S1। एक्सटेंशन क्या था फ्रेंड्स, MP3। ओके फ्रेंड्स, ये फोल्डर का नाम देखिए ऑडियोज है, तो यहाँ ऑडियोज लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोल से सेव करेंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे फ्रेंड्स, रिफ्रेश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसका बेसिक एट्रीब्यूट एक और था जो आपने नहीं राइट किया फ्रेंड्स, वो कौन सा था फ्रेंड्स, कंट्रोल्स। यहाँ आप राइट कर लेंगे कंट्रोल्स। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोल्स इक्वल टू इसकी वैल्यू में क्या देंगे फ्रेंड्स, कंट्रोल्स ही देंगे, कंट्रोल्स। कंट्रोल से सेव करेंगे फ्रेंड्स, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सॉन्ग आ गया। कंट्रोल्स लगाने से हुआ क्या फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे कंट्रोल्स मिल गए, प्ले करने का कंट्रोल मिल गया,
म्यूट करने का कंट्रोल मिल गया और इसे कम ज़्यादा करने का कंट्रोल मिल गया। अब इसे प्ले करके देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स प्ले होने, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस। इससे आवाज़ भी अपनी कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, कम ज़्यादा कर सकते हैं आवाज़। ये देखिए फ्रेंड्स, संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती फ्रेंड्स ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में। तो फ्रेंड्स एक हमारा एट्रीब्यूट था, इसमें तीन एट्रीब्यूट जो थे एडवांस एट्रीब्यूट थे। तो एडवांस एट्रीब्यूट आपको बताते हैं, ये तो बेसिक है जो आपको राइड करना ही है अगर आपको ऑडियो लाना है। एडवांस एट्रीब्यूट से क्या होगा कि अगर आपका सॉन्ग यहाँ पे, एक था ऑटो प्ले जो आपने देखा था एडवांस में, और कौन सा था फ्रेंड्स, लूप था, और कौन सा था, म्यूटेड था। तो फ्रेंड्स पहले म्यूटेड का यूज़ बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ म्यूटेड, इसकी वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स, म्यूटेड। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब आपका सॉन्ग प्ले होगा तो म्यूट रहेगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो इसे कंट्रोल से सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ म्यूटेड देखिए, सॉन्ग पे कट का निशान बन के आई, म्यूट है वो रहेगा। आप इसे प्ले करेंगे कुछ सुनाई नहीं देगा, अगर आप म्यूट रहना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये म्यूटेड आपको समझ में आ गया। दूसरा कौन सा एडवांस एट्रीब्यूट था फ्रेंड्स, लूप था। लूप अभी नहीं लगाते, पहले दिखा देते हैं फ्रेंड्स। आप इसकी आवाज़ प्ले खोल लीजिए, उसके बाद इसे आप प्ले कीजिए। ये देखिए, अब देखिए लास्ट में हम अब देखिए खत्म होने के बाद प्ले नहीं होगा, अपने आप लूप नहीं चलेगा कि अपने आप प्ले होने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रुक गया सॉन्ग खत्म होने के बाद, ये रुक गया अपने आप। चाहते हैं कि रुकने के बाद रुके ना, ये ऑटोमेटिक फिर प्ले होने लगे, रीप्ले होने लगे। तो उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, लूप। लूप लगाएंगे इक्वल टू में लूप, इसके आप एट्रीब्यूट भी लूप देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे फ्रेंड्स, रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए प्ले कीजिए। देखिए प्ले होने लगा, लास्ट में लेके जाते हैं फ्रेंड्स। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा माउस यहाँ है। देखिए फ्रेंड्स फिर से शुरू हो गया अपने आप। तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, लूप। अब एक एट्रीब्यूट और था, एक एट्रीब्यूट और था ऑटो प्ले, जिससे क्या होगा कि आपका वेब पेज जब लोड होगा तो ऑटोमेटिक वो प्ले होने लगेगा फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स वो इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा ये क्रोम ब्राउजर है, वो किसी और ब्राउजर में काम करेगा। इसके लिए हम ऑटो प्ले का नहीं बता रहे, उसका सिंटेक्स बता दे रहे हैं, इसमें काम नहीं करेगा। ऑटो प्ले इस नाम का है फ्रेंड्स, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट, इसमें काम नहीं करेगा वो फ्रेंड्स, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं ऑटो प्ले के बारे में। बाकी आप इसे ट्राई करके देखिएगा कि आपके काम करता है। ऑटो प्ले से क्या होगा कि आप जो क्लिक करते हैं, क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो पहले से ही प्ले होता रहेगा ओके फ्रेंड्स। इसका यूज वीडियो में आपको बता देंगे, वीडियो टैग बताएंगे तब उसमें काम करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो जो कंट्रोल्स लिखा है ये इसका वैल्यू मत लिखिए, क्योंकि वैल्यू सेम है, जो एट्रीब्यूट का नाम है वैल्यू का नाम है। तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं ओके फ्रेंड्स, ऐसे भी काम करेगा, आपको इक्वल टू में वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स कोड कितना छोटा हो गया, देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स, कोड छोटा हो गया। आप कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए, देखिए ऐसा फिर भी सेम होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्रॉस का निशान लगा है, प्ले करने के बाद फिर शुरू हो जाएगा, ऑटो प्ले बस यहाँ काम नहीं कर रहा ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम और साउंड इसमें इंसर्ट करा देते हैं, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसी के नीचे हम और पेस्ट कर देते हैं ओके फ्रेंड्स। देखिए दो सॉन्ग हम और ऐड करा लेते हैं, जिसका नाम S2 और S3 था ओके फ्रेंड्स। कंट्रोल से सेव कर रहे हैं, देखिए सॉन्ग फ्रेंड्स यहीं पे है हमारा ऑडियो फोल्डर के अंदर, ये हमने बनाया हुआ है S1 S2, सबका एक्सटेंशन सेम है MP3 ओके फ्रेंड्स। आप ये हो गया, अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स तीनों सॉन्ग आ गया है ना फ्रेंड्स। अब आपको जो प्ले करना है वो प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, और यदि कोई हाथी आ गया आई हो आपको तो बड़ी सरलता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें लगता है आपको हमारी आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर ना समझ में आई हो तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम वॉच कीजिए, और आने वाली वीडियो को फ्रेंड्स जरूर से जरूर देखिए फ्रेंड्स। उसमें आपको वीडियो लगाना बताएंगे, अभी ऑडियो बताए हैं, वीडियो भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की हमारी वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
अगर आप हमारी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मन में छोटा भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे फ्रेंड्स। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट में बता दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।